Code, Code, Code. So channel, जो है तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग का जो सीरीज चल रहा है थर्टी क्वेश्चन ऑफ इच चैप्टर ऑफ डीएसए उसमें आज हम लोग एरे का तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो so, अभी मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा स्पीड नहीं है धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा ठीक है तो जैसे ही मैं ठीक होता हूँ मैं सारा चीज फिर से बैक टू नॉर्मल ला दूंगा अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि टीसीएस कोड आने वाला है तो हम लोग प्रिपरेशन उसका शुरू करेंगे जैसे ही मैं थोड़ा सा और रिकवर हो जाता हूँ ठीक है तो हम लोग टीसीएस कोड कोडविटा का अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो एक बार इस बार टीसीएस निंजा की है विप्रो की है एंड बहुत सारे एग्जाम्स का किए हम लोग अब टीसीएस कोड कोडविटा पे ध्यान देना है जो चला गया सो चला गया टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो सारे अपडेट्स में वहां देता रहता हूँ तो प्लीज जाके जुड़िए और बिना देरी के आप हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन तो हम लोग अप्रोच रहेगा कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि मिसिंग नंबर इन एन एरे तो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेना मैं को अच्छे से पहले समझा देता हूं ठीक है? एक ले लेते हैं हम लोग पहला वाला एग्जांपल ठीक है तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन है फाइव ठीक है लेकिन एरे ऑफ एलिमेंट एन माइनस रहेगा वन टू फोर सॉरी वन टू थ्री एंड फाइव ये एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट है ठीक है तो तुम बोलोगे भैया यहाँ तो एरे में एन फाइव दिया हुआ है एरे में हाँ तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि एन फाइव दिया हुआ है और एरे में फोर ही एलिमेंट्स है लेकिन हम लोग को जो एक एलिमेंट है वो हम लोग को खुद से फाइंड करना है दैट इज मिसिंग नंबर तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इसमें पहला कंस्टेंट है कि सारा डिस्टिंक्ट नंबर ठीक है दूसरा है कि इसमें जो भी नंबर प्रेजेंट रहेगा वन से लेके एन तक रहेगा एरे में। उससे ज्यादा कहीं नहीं रहेगा ठीक है तो जो भी नंबर रहेगा वो वन टू एन के बीच में ही रहेगा रहेगा तो तो हम हम को को जो भी फाइंड करना है मिसिंग नंबर वो किसके बीच से लेके N तक तो ये चीज समझ में आ गया और सारा डिस्टिंक्ट यानी कि डुप्लीकेट नंबर कोई है नहीं तो हम लोग का यहाँ पे चीज हो जाता है आसान क्वेश्चन समझ में आ गया तुम तो लोग को कि हम लोग को फाइंड करना है मिसिंग नंबर सारा नंबर डिस्टिंक्ट रहेगा और जो भी मिसिंग नंबर रहेगा वो किसके किसके बीच में रहेगा वन टू एन के बीच में ही रहेगा ठीक है तो हम लोग अब अप्रोच देखते हैं कि हम लोग फाइंड कैसे करेंगे अप्रोच तो देखो हम लोग सिंपल स्टेप बताते हैं हम लोग क्या करेंगे हम लोग को पता है कि हम लोग का जो भी नंबर रहेगा वो वन टू एन के बीच में रहेगा तो इसका हम लोग फायदा उठाएंगे हम लोग क्या करेंगे एन यहाँ पे दिया हुआ फाइव तो हम लोग वन से लेके फाइव तक का सम निकाल लेंगे क्यों ऐसा करेंगे अभी मैं बताता हूं थ्री फोर 5. Total हो गया पे अब ऐसा क्यों किए? तो उसका मैं अभी बताता हूं, proof. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग का एरे एलिमेंट पहले दिया रहेगा, उसका हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे हम लोग का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या किए कि वन टू एन तक का टोटल सम निकाल लिए और हम लोग का जो एरे में दिया हुआ है सम उसका हम लोग टोटल सम निकाल लिए अब हम लोग करेंगे क्या हम लोग देखो इसमें हम लोग वो भी नंबर को इंक्लूड कर लिए जो हम लोग का मिसिंग है ठीक है और इसमें तो हम लोग का जो नंबर मिसिंग है वो तो मिसिंग है ही हम लोग इसमें एक नंबर मिसिंग है लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग का फुल नंबर है कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है वन टू लेके एन के बीच में तो हम लोग इसमें वो नंबर इंक्लूडेड है और इसमें वो नंबर एक्सक्लूडेड है तो हम लोग इसमें कितना वो एड करेंगे ताकि हम लोग का इसके बराबर वो नंबर पहुंच जाए हम लोग को पता है कि इसमें सारा नंबर वन से लेके एन तक इंक्लूडेड है और इसमें एक नंबर मिसिंग है तो जब इसका सम किए तो टोटल आ रहा है फिफ्टीन तो हम लोग को चाहिए टारगेट सम फिफ्टीन तभी जाके हम लोग को पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर है ताकि हम लोग का जो मिसिंग है वो पता चल जाए हम लोग का ग्यारह है और हम लोग को टारगेट से पहुंचाना है पंद्रह तो हम लोग इसमें कितना एड करेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कि वो कौन सा मिसिंग नंबर है तब उसको एड करने के बाद जो है ये मेरा पूरा टोटल सम फिफ्टीन आ रहा है तो इलेवन में हम लोग फोर एड करेंगे तब जाके मेरा कितना आ रहा है फिफ्टीन आ रहा है ठीक है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं क्यूरियोसिटी एकदम ध्यान से देखो बारीकी से कि हम लोग टोटल सम निकाल लिए वन टू एन फिफ्टीन और हम लोग का एरे में पता है कि एक नंबर मिसिंग है तो वो कौन सा नंबर मिसिंग है इसमें तो हम लोग का टोटल सम आ गया और इसमें जब सम की है, तो, एक है। तो कितना हम लोग ऐड करेंगे ताकि ये जो मेरा सम है, इसके बराबर पहुंच जाए तो हम लोग ऐड करेंगे फोर तब जो फोर ऐड किए तो हम लोग को पता चल गया अच्छा फोर मिसिंग था इसमें इसीलिए के बाद ये फिफ्टीन पहुंच गया तभी मेरा फिफ्टीन आया तब जाके पता चला अच्छा फोर मिसिंग था फोर ऐड करने पे मेरा ये दोनों बराबर हो जा रहा है यानी कि ये नंबर हम लोग का इसमें मिस कर रहा था तो हम लोग इसको कैसे पता चल करेंगे कि ये फोर है तो हम लोग क्या करेंगे कि वन टू एन का सम निकालेंगे और इसमें से जो एरे एलिमेंट का सम है उसको माइनस कर देंगे तो फिफ्टीन माइनस इलेवन दैट इज इक्वल टू फोर तो हम लोग का क्या होगा वो जो रिक्वायर्ड मिसिंग नंबर है वो हम लोग का पता चल जाएगा तो कैसे मिसिंग नंबर फाइंड करना है क्यों हम लोग सम ऐड कर रहे हैं ये सारा चीज हम लोग का इंट्यूशन जो है पता चल गया है अप्रोच हम लोग का पता चल गया है अब हम लोग चलेंगे कोड की तरफ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार हम लोग सम निकाल रहे हैं वन टू एन का तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ एन और फिर एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं एक बार और सम निकाल रहे हैं हम लोग इसका तो कितना हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन यानी कि ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि हम लोग कुछ स्पेस एक्स्ट्रा लिए ही नहीं है तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया तो हम लोग चलते हैं कोड की तरफ तो फटाफट हम लोग कोड की तरफ चलते हैं तो चलिए भैया कोड की तरफ इसको मैं Zoom out कर देता हूं तो देखो हम लोग क्या किए सबसे पहले 1 2 यहाँ पे मैं एक मिनट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं सबसे पहले वन टू लेके एन तक का टोटल सम निकाल लिए ठीक है उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग ले लिए सम हम लोग क्या किए सम का निकाल लिए ठीक है हम लोग पहले वन टू एन तक का सम निकाले कैसे निकालते हैं तो इस फॉर्मूला से एन इन टू एन प्लस वन बाई डिवाइडेड बाई टू देन हम लोग निकाले सम ऑफ एरे एंड फाइनली वॉट वी विल डू हम लोग इसमें से इसका सम माइनस किए एन माइनस एस एन स्टोर हो गया ये सम एस स्टोर हो गया मेरा एरे का सम उसके आउटपुट हमने ले लिए जिसमें हम लोग एन माइनस एस किए ताकि मेरा रिक्वायर्ड मिसिंग नंबर पता चल जाए एंड देन वी फाइनली रिटर्न द आउटपुट तो ठीक है यहाँ पे हम लोग रन करा के चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं यहाँ पे आ गया फोर और इसको हम लोग सबमिट करके चेक कर लेते हैं यस yes. तो यहाँ पे मेरा सही आ रहा है और इसका हम लोग कंपनी टैग देखते हैं तो ये बहुत सारे कंपनी में पूछा जा चुका है एक्लाइट डोबी एमेजोन सिस्को डीसो इन ट्विट लॉर्ड्स ऑफ कंपनी में तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थैंक यू वेरी मच